मेरे प्रिय आत्मन, दुनिया के समस्त धर्मों और समस्त परंपराओं ने मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मंत्रों का विधान किया है। जो मनुष्य के मन को नियंत्रित करे उसे हम मंत्र कहते हैं। जो मनुष्य के तन को नियंत्रित करे उसे हम तंत्र कहते हैं। और जो इंसान के वस्तुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करें उसे हम यंत्र कहते हैं। जीवन के आध्यात्मिक कल्याण में यंत्रों की भूमिका 20% है, तंत्र की भूमिका 30% है और मंत्र की भूमिका 50% है। जो व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति से लेकर चैतन्य शक्ति को जागृत करते हैं, व्यक्ति की आत्मिक और अतिंद्रिय शक्ति के जागरण में मदद करते हैं, धर्म शास्त्रों की दृष्टि में उस व्यवस्था का नाम मंत्र है। जब भी किसी इंसान को मुसीबतों से छुटकारा पाना होता है, अपने अंतर मन को शांतिमय बनाना होता है और किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति की साधना करनी होती है, तब तब व्यक्ति मंत्र की शरण में पहुंचता है। मंत्रों का अपना विज्ञान है, मंत्रों की साधना करने की अपनी विधि है, मंत्रों को साधने का अपना लक्ष्य और परिणाम है, मंत्रों के अपने शास्त्र और विधान है। आज जब हम महामंत्र नवकार पर अपनी ओर से कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं प्रेम पूर्वक अनुरोध कर देना चाहूंगा कि महामंत्र नवकार संसार का वह मंत्र है जिसने सारी धरती को सदा शांति, समाधि और समग्रता की ही प्रेरणा प्रदान की है। महामंत्र नवकार तो वह मानसरोवर है कि जिसमें व्यक्ति जितनी अधिक डुबकियां लगाएगा वह अपने जन्म जन्म के पापों से उतना ही मुक्त होता चला जाएगा। जब किसी भी डूबते के लिए तिनके का कोई सहारा न बच पाए तो उस हर पतहारे इंसान के लिए अगर कोई पतवार बनकर धरती पर आता है
तो वो एकमात्र इकलौता महामंत्र नौकार है। महामंत्र नौकार अपने आप में शक्ति का भंडार है। महामंत्र नौकार अपने आप में अलौकिक सिद्धियों को अपने में समेटे हुए है। महामंत्र नौकार अपने आप में सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियों को अपने हृदय में समाहित किए हुए है। महामंत्र नौकार इसका अपना संगीत है। महामंत्र नौकार इसका अपना स्वाद है। महामंत्र नौकार इसका अपना प्रकाश है। महामंत्र नौकार किसी भी इंसान के पांव के लिए खुशियों की पाजेब है। महामंत्र नौकार किसी भी इंसान के हाथों में सुंदरता का सोने का कंगन है। महामंत्र नौकार किसी भी इंसान के कमर को शक्ति देने वाला सोने का कंडोला है। महामंत्र नौकार किसी भी इंसान के हृदय को शांति और सुकून देने वाला हीरों का हार है। और महामंत्र नौकार किसी भी इंसान को सत्य, आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाला माथे का मुकुट है। जब भी किसी इंसान को और कोई रास्ता नहीं मिलता, मैं कहूंगा आप महामंत्र नौकार का स्मरण कीजिए। जब जिंदगी में 100-100 अगर दरवाजे होते हैं, उन 100-100 दरवाजों में अगर किसी की किस्मत 99 द्वार बंद कर दे, तब भी इंसान के लिए एक द्वार खोलने वाली शक्ति शेष रह जाती है, और वो शक्ति होती है महामंत्र नौकार की शक्ति।